हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल बीच एम में आज आपका फिर से स्वागत है। हम आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो है ऐसी थ्योरी। तो पहला सवाल है उसके ऊपर चलते हैं। सवाल क्या दिया है कि ऐसी तरंग का आयाम किस बात पर निर्भर करता है, वो होता है सिकरमान आयाम। अगर आप वेव बनाते हो इस तरीके से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको क्या बोला जाता है, आयाम। तो सिकरमान जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, इस तरंग का क्या होगा, आयाम होगा। कि आरएमएस निम्न में से कौन सा मान सदैव चेंज होता रहता है। देखो, आरएमएस मान स्थिर रहता है, औसत मान भी सिकर होता है, मतलब फिक्स रहता है, और सिकरमान भी स्थिर होता है। ताक्षणिक मान जिसको अपने बोला जाता है कि किसी क्षण ऐसी तरंग का मान, उसको बोला जाता है ताक्षणिक मान, वो चेंज होता है। आरएमएस मान जो होता है वो ऊष्मा पर निर्भर करता है, और जो औसत मान होता है वो आवेश स्थानांतरण पर निर्भर करता है। अगला, ऐसी जया तरंग का अधिकतम मान है 10 वोल्ट और आरएमएस मान क्या हो। देखो, आरएमएस मान अगर आपको यहाँ से निकालना है तो इसमें संबंध पता होना चाहिए। अपने को ये पता है कि वी आरएमएस जो होता है 0.707 वी मैक्सिमम। यहाँ 10 रखेंगे अधिकतम मान की जगह, अपनी जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये। फिर है फॉर्म फैक्टर। देखो, फॉर्म फैक्टर के लिए मैंने आपको एक वीडियो अपलोड की थी जिस जो ऐसी थ्योरी से संबंधित थी। उस वीडियो को आप देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि डीसी का फॉर्म फैक्टर क्या होता है, एक होता है। और अगला जो सवाल है वो भी आपको उसी वीडियो में पता चलेगा कि आरएमएस मान किस तरंग का ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। तो यहाँ जो इसका आंसर होगा वो होगा वर्गाकार। ऐसी तरंग का पूरे चक्र के दौरान औसत मान क्या होता है। देखो, पूरे चक्र के दौरान दो चक्र बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों बराबर होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक नेगेटिव डायरेक्शन में। तो राशियों का योग बटा राशियों का औसत मान जो क्या होता है, 0। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, 0। ये आपके आईटी जो इलेक्ट्रीशियन का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अगला, एक परिपथ का शक्ति गुणक है 0.6 लैगिंग और प्रतिबाधा 10 ओम है, तो प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो, पावर फैक्टर जो था कोस फाइन जो था आर बटा जेड बराबर क्या होता है, कोस फाइन। आपसे क्या पूछा कि इसका मान दिया 6 और प्रतिबाधा का मान दिया 10, आर का मान पूछा, तो ये दोनों मल्टीपल होंगे तो क्या आएगा, 6 ओम। तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 ओम। क्वाड्रेचर, देखो क्वाड्रेचर का मतलब होता है क्वाड्रेंट, तो इसमें आंसर आएगा 0 डिग्री। अगर ये राशियाँ होती इन फेज तो आएगा 0, और अगर एंटी फेज या आउट ऑफ फेज होगा तो आएगा 180। अगला क्या, एक प्रतिघाती शक्ति 6 है और वास्तविक शक्ति 6 और प्रतिघाती कितनी है, 8 kV है। इसको अलग करने के लिए आपको एक देखो पावर ट्राइंगल जो है उसको याद रखना पड़ेगा। इस पर वास्तविक, यहाँ आभासी और यहाँ प्रतिघाती। तो चलिए, यहाँ आभासी होगी, यहाँ प्रतिघाती होगी, यहाँ वास्तविक होगी। तो अपने को निष्क्रिय शक्ति निकालनी है, तो अपने ट्राइंगुलर से निकालते हैं। तो ये जो अपने को क्या दिया है, निष्क्रिय शक्ति, मतलब इस वैल्यू, इस तरंग, इस वैल्यू का अपने को मान निकालना है। तो अपने को पता है करण का स्केयर बराबर क्या होता है, धार स्केयर प्लस लम स्केयर। करण का मान था 10, तो इसका आ जाएगा 100। धार जो अपने वास्तविक शक्ति थी इसका मान था 6, वो पावर फैक्टर पूछा है। इसमें सवाल ही क्या दिया है, पावर फैक्टर पूछा गया है। तो वास्तविक शक्ति अपने को दिया है 6 kVAr, 6 kW, प्रतिघाती दिया 8 kVAr, पावर फैक्टर पूछा है। तो पावर फैक्टर अपने को पता है क्या होता है, वास्तविक बटा क्या होता है, आभासी, यानी कि वास्तविक पावर बटा आभासी पावर। तो वास्तविक पावर अपने को पता है कितना है, अपने को दिया 6 kW, तो यहाँ आएगा 6, और आभासी अगर निकालना है तो इन दोनों का वर्ग करके निकालेंगे तो आएगा 10, तो 0.6। अब लैगिंग होगा या लीडिंग होगा ये अपने को कैसे फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ अपने को देता होता धारितीय या प्रेरणिक शक्ति इतनी है, या तो आता लैगिंग, अगर धारितीय दिया होता तो लीडिंग, यहाँ कुछ नहीं दिया तो अपने क्या करेंगे, लैगिंग ही उसको मान के करेंगे। अगला सवाल जो है वो शक्ति गुणांक शोधन, ये अपने ITI जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया है, और इसके अलावा DMRC 2016 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया था। ये तीनों विधियाँ हैं और तीनों समांतर क्रम में जुड़ते हैं। एक संधारित्र कौन सी शक्ति प्रदर्शित करता है, तो संधारित्र जो शक्ति प्रदर्शित करता है उसको बोला जाता है आभासी प्रतिघाती शक्ति। यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि वास्तविक शक्ति 8 है और आभासी 10 है, तो निष्क्रिय इसका आएगा 6, लेकिन kilowatt आएगा या VAr आएगा। देखो, 8 kW दिया है और ये भी kVA है, तो kVAr। तो ये आप क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना, दो ऑप्शन सेम है, जिसका मतलब आपका आंसर कौन सा होगा, ये होगा। रिएक्टिव पावर, ये पावर ट्राइंगुलर में भी मैंने आपको बताया था तीन प्रकार की पावर होती है। कि यहाँ मैंने बताया था ये प्रतिघाती, ये होती है वास्तविक, और ये कौन सी होती है, आभासी।
तो इस पावर के जो फार्मूले होते हैं VAR या KVAR या MVAR, तो इनमें से कौन सा फार्मूला जो आपको दिया गया है वो देखते हैं अपने। तो यहाँ दिया है VAR, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? VAR। एक परिपथ का शक्ति गुणक इकाई हो तो रिएक्टिव पावर क्या होगी? ज़बरदस्त सवाल है, देखो कैसे हल करेंगे। देखो अपने को पता है कि ये इस तरीके से क्या है, वी आई कॉस फाई ये वास्तविक है, जबकि ये क्या है, वी आई साइन फाई। अपने को सवाल में क्या दिया गया है, शक्ति गुणक इकाई है, मतलब कोस का मान कितना, इकाई। तो पावर एंगल जो आएगा या कलांतर कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। और साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो प्रतिघाती शक्ति का मान क्या आएगा, 0। यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा, रिएक्टिव पावर क्या होगी, 0। आर सी श्रेणी परिपथ का पावर फैक्टर, देखो आर सी श्रेणी हो चाहे समांतर, इसका पावर फैक्टर क्या होता है, अग्रगामी होता है। अगला क्वेश्चन है अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा क्या होगी? तो अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा जो होती है समांतर अनुनाद का, ये ध्यान रखना, श्रेणी अनुनाद होता तो आर आता, समांतर अनुनाद दिया है तो एल बटा सी आर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ इसमें क्या किया जाता है कि ज़्यादातर बच्चे जो काम क्या करते हैं, आर ही करते हैं, वो श्रेणी अनुनाद के लिए होता है, जबकि समांतर अनुनाद में जो प्रतिबाधा होती है एल बटा सी आर होती है। अगला देखो, समांतर अनुनाद में परिपथ धारा क्या होगी? यहाँ क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो प्रतिरोध के तुल्य, क्योंकि बाकी दो में करंट जाएगी नहीं, इसका फार्मूला अगर आपने देखते हैं तो क्या होता है, आई स्केयर आई आर, और यहाँ आई सी माइनस आई एल आएगा। तो ये दोनों करंट क्या होगी, सेम होगी, तो इन दोनों का मान 0 होगा, तो आई बराबर क्या होगा, आई आर होगा। किस कोण पर आ रहे हैं समान वैताक्षणिक मान बराबर होंगे? तो ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, देखो किस तरीके से हल करेंगे। यहाँ मैंने आपको क्या दिखाया है कि साइन और कोस की वैल्यू दिखाई है। तो देखो यहाँ आपसे क्या पूछा गया कि किस कोण के ऊपर आरएमएस मान और औसत मान या तात्क्षणिक मान बराबर होते हैं। तो देखो आरएमएस मान अपने को पता है क्या होता है, आई एम बटा रूट थ्रू का वोल्टेज है, तो यहाँ वी एम लिख सकते हो। अब इसकी वैल्यू अपने को पता करना है 1/2 कब होगी, यानी इसका मान कितना डिग्री लेगी 1/2 आए, तो 45 डिग्री अगर आप देखते हो तो 45 डिग्री पर इसका मान क्या होगा, अगर इसका मान 45 रखोगे तो 1/√2 आएगा, ये दोनों मान बराबर होंगे, इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा होगा, युवा। अगला, निम्न में से किस ज्या तरंग में अधिकतम परिवर्तन हो रहा है? तो एफ बराबर होता है 1/T, जिसका आवर्तकाल सबसे कम होगा उसका ही जो फ्रिक्वेंसी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, अगर आप हल करेंगे तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, ये SSC JEE में एक बार एग्जाम में आ चुका है। किस तरंग का RMS मान औसत मान तुल्य है? ये आपको मैंने बताया था कि वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ से स्पष्ट आंसर पता चलेगा इसका आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ राइट आंसर कौन सा होगा, वर्गाकार होगा। सभी नियम और सीमाएं, ये भी आपके यूपी पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो प्रतिरोधी परिपथ होता है उसमें काम करता है। किस परिपथ का शक्ति गुणक शून्य होता है? देखो शक्ति गुणक शून्य होने का मतलब क्या है कि उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री अपने को पता है शुद्ध प्रेणिक और शुद्ध आरेखीय। यहाँ शब्द इस्तेमाल करेंगे शुद्ध, तो ध्यान रखना यहाँ शुद्ध प्रेणिक और आरेखीय परिपथ जो होगा उन दोनों में क्या होगा, शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है एक शुद्ध प्रेणिक परिपथ में, अब यहाँ से ये भी सवाल मस्त है, देखो किस तरीके से हल करेंगे। शुद्ध प्रेणिक परिपथ जो होता है उसमें क्या होता है कि एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री, और कोस 90 का मान क्या होता है, 0। तो कौन सी शक्ति शून्य होगी, वास्तविक शक्ति, क्योंकि अपने वास्तविक शक्ति का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो वी आई कोस फाइन, और 90 डिग्री का अंतर होगा तो यहाँ 90 रखो तो वी आई कितना है, 0 होगा, 0 होते क्या होगा, आपकी वास्तविक शक्ति जो क्या होगी, शून्य होगी। यहाँ से राइट आंसर कौन सा होगा, शून्य। 200 वोल्ट सप्लाई से जुड़े RLC अनुनाद पर धारा, देखो अनुनाद दिए है तो L और C को तो भूल ही जाओ यहाँ से, वैसे भी आपको XL और XC का मान नहीं दिया, L और C का मान दिया है, तो 200 को 50 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 4। ये SSC JEE में एक एग्ज़ाम में आ चुके हैं। एक RLC परिपथ में कलांतर बढ़ाएं तो क्या होगा, कलांतर कैसे बढ़ेगा? तो देखो कलांतर अगर बढ़ाना है तो XL का मान बढ़ाना पड़ेगा, XL का मान को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना। यहाँ आंसर कौन सा होगा, जी। अगला एक श्रेणी RLC परिपथ में R का मान 4, XL का मान, यहाँ XL का मान ध्यान रखना यहाँ से आएगा आपका 6 ओम आएगा, ये R गलत दिया है, 6 कर लेंगे। XC का मान अपने को पूछा परिपथ की शक्ति क्या होगी, परिपथ की, तो P बराबर जो होता है वी आई कोस फाई का इस्तेमाल करेंगे, V आपको दिया है 200, और आई अपने को निकालना पड़ेगा, और साथ में क्या करना पड़ेगा, कोस फाइन। तो आई कैसे निकलेगा, पहले आप जड़ का इस्तेमाल करेंगे, जड़ कैसे निकलेगा, आर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, 6 में से 9 हो गया 3, और यहाँ से जो आपका जड़ जो आएगा वो आएगा 5।
करंट की अगर हमने बात करें तो करंट देखो 200 वोल्ट है, धारा का मान 5 एम्पियर है, तो यहाँ से कितना आएगा इसका मान 40, फिर P बराबर वी आई कॉस फाई का अपने फार्मूला लगा देंगे यहाँ से, इसका मान कितना है 200 और करंट का मान कितना है 40 और कॉस फाई का मान कितना आर बटा जेड, आर का मान अपने ने देखा था 4 था, जेड का मान कितना है 5, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 40, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 100 वाट आ जाएगा। ये इसको आप आई स्क्वायर आर से भी कर सकते हो। आर सी श्रेणी परिपथ में आवृत्ति बढ़ाने पर, देखो आवृत्ति अगर बढ़ाएंगे ना तो देखो अपने एक्स सी बराबर क्या होता है 2πfc, आवृत्ति बढ़ाएंगे तो एक्स सी घटेगा, एक्स सी घटेगा तो मतलब क्या होगा शक्ति गुणांक में कलांतर क्या होगा, शक्ति गुणांक बढ़ेगा कलांतर क्या होगा घटेगा। एक आर एल सी श्रेणी परिपथ में आर बराबर 6 ओम है, एक्स एल बराबर 5 ओम है और एक्स सी बराबर कितना 13, तो देखो शुद्ध प्रतिरोधी हो नहीं सकता, श्रेणी परिपथ है तो एक्स एल का मान कम है, एक्स सी का मान ज़्यादा है ना, तो यहाँ क्या होगा वो अधिक धारित होगा, निम्न क्या होगा प्रेणिक होगा, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा सी आएगा। तो इस तरीके से अपने ने आज 30 सवाल हल किए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी से आगे क्या करेंगे सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।